कितने प्रतिशत भारतीय हैं जो यूरिक एसिड बढ़ने पे अपना प्रोटीन बंद कर देते हैं या फिर दालें अपनी डाइट से निकाल देते हैं, 10 कदम खेल लेते हैं। मेरे अंदाजे से अप्रॉक्सीमेटली एज पर माई एक्सपीरियंस 80% ऑफ पीपल जिनको यूरिक एसिड का पता चलता है तो एकदम से वो अपनी दालें या प्रोटीन विदाउट एनी कंसल्टेशन फ्रॉम एनी वन वो एकदम से उनको बंद कर देते हैं। यूरिक एसिड का दालों के साथ रिलेशनशिप अगर आप निकाल रहे हो उससे ज़्यादा कहीं और कुछ और चीज़ों के साथ इसका रिलेशनशिप है जो आप इग्नोर करते हो और आपको पता ही नहीं चलता है कि यूरिक एसिड उसकी वजह से बढ़ रहा था। तो आज हम उसके कॉजेज़ और उसकी कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे। यूरिक एसिड एक्चुअली है क्या? प्यूरिन्स हमारी बॉडी में ऑलरेडी रहता है। 75% प्यूरिन्स जो है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है जो यूरिक एसिड की फॉर्म से हमारे ब्लड में आता है और ब्लड से वो किडनी के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर आपकी डाइट में प्यूरिन बढ़ जाता है किसी कारण की वजह से जो मैं आपको अभी डिस्कस करूंगी या फिर आपकी किडनी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होती है उसकी वजह से यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो गॉट की फॉर्मेशन भी कर देता है जिससे आपको पेन्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं। सो ये प्यूरिन्स का रिलेशनशिप है, नॉट प्रोटीन, डायरेक्ट फ्रॉम प्रोटीन। कुछ ऐसे फूड्स हैं जिसमें प्यूरिन्स ज़्यादा पाया जाता है जो अगर आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम चल रहा है तो उस टाइम पे हमें उसको थोड़ा कम करना पड़ता है। सो मोस्टली जो रीज़न देखने को मिला है कि जो मैं नॉर्मल रीजन्स मैं आपको बताती हूँ, मोस्टली ये देखने को मिला है कि जो लोग ज़्यादा अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं उनमें ये यूरिक एसिड बहुत पाया जाता है, या कई लोग बहुत ज़्यादा फास्टिंग के टाइमिंग पे बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाते हैं, उनका हर 2 दिन के बाद फास्ट होता है, फ्रूट फास्ट होता है और वो बहुत लार्ज अमाउंट में फ्रूट्स खाते रहते हैं। हाई फ्रुक्टोज होने की वजह से भी वो फ्रुक्टोज जो है वो प्यूरिन्स में कन्वर्ट हो जाता है और यूरिक एसिड की फॉर्मेशन करता है। सो इसके अलावा जो और रीजंस पाए गए हैं, जेनेटिकली भी कुछ रीजंस होते हैं कि जिसकी वजह से यूरिक एसिड जो है कई लोगों में होता है, या कई लोग डायूरेटिक्स की टैबलेट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, डायूरेटिक टैबलेट्स की वजह से आपकी किडनी फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होती है और वो यूरिक एसिड को जो बॉडी से फ्लश आउट नहीं कर पाता है, या हाइपोथायराइड की वजह से भी आपका मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि किडनी फंक्शनिंग, लिवर फंक्शनिंग, ये जो है वो इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है और उससे भी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आ जाती है। कईयों में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में बेसिकली जो ऑटो इम्यून सप्रेसेंट जो होता है किडनी जो है वो प्रॉपरली प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं कर पाती है और एज अ रिजल्ट ऑफ इट यूरिक एसिड बढ़ जाता है। कईयों में वाइटामिन D3 कई काफ़ी ज़्यादा ओवर डोजेज हो जाती है, उसकी वजह से भी आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम रहता है, या फिर ओबेसिटी की वजह से आपका अबडोमिनल फैट बहुत ज़्यादा है, लोअर फैट जो किडनी के आसपास वाला जो फैट होता है वो बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से किडनी फंक्शनिंग जो है वो इफेक्ट हो रही है। और प्यूरिन्स जो है वो आपकी डाइट में, कौन से फूड्स में प्यूरिन ज़्यादा होता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम रहती है, वो है मोस्टली मीट। मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा नॉन वेज मीट का इंटेक करते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा फिश का इंटेक करते हैं, बहुत ज़्यादा मैं बता रही हूँ, नॉट द मॉडरेट इंटेक, बहुत ज़्यादा का मतलब होता है पूरे दिन में आप 3 बार जो है वो प्रोटीन एनिमल प्रोटीन से ही ले रहे हैं तो उससे प्यूरिन्स की फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है, या कुछ ऐसी दालें या कुछ ऐसे लिग्यूम्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्यूरिन्स की फॉर्मेशन करते हैं अगर आप उसको एक्सेस में लेते हैं, जो साबुत दालें बहुत ज़्यादा एक्सेस में अगर आप ले रहे हो तो प्यूरिन्स की फॉर्मेशन होती है, अदरवाइज कुछ हर रोज़ एक बार दाल खाने से आपको कोई प्रॉब्लम प्यूरिक एसिड का नहीं होता है। पीज और मशरूम ऐसे वेजिटेबल्स में आ जाता है जिसमें प्यूरिन्स कंटेंट हाई होता है, उसका भी मॉडरेट इंटेक हमें यहाँ पे रखना होता है। और जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिडिटी पाई जाती है, एसिडोसिस बहुत ज़्यादा होता है, तो मैंने देखा है कि मोस्टली जो रीज़न आता है ओबेसिटी का भी, एथराइटिस का भी, या कोई केमिकल हमारी बॉडी में डिस्टर्ब हो जाता है, उसका मेन रीज़न एसिडिटी बॉडी होती है। जितना ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट आपकी बॉडी में रहता है उतनी प्रॉब्लम जो है वो आपको केमिकल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी में रहती है। सो अगर आपकी बॉडी अल्कलाइन स्टेटस में, अल्कलाइन इन्वायरमेंट है, तो हमें ऐसी प्रॉब्लम जो है वो देखने को नहीं मिलती हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट, जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सेस में ओवर वर्कआउट करते हैं, मतलब दे आर कीप ऑन डूइंग फॉर ट्वाइस एंड थ्राइस इन अ डे में कर रहे हैं, उनकी बॉडी जो है वो मसल फंक्शनिंग जो है वो डेटोरेट करती रहती है इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड होने के बाद, उसमें भी यूरिक एसिड का जो है वो प्रॉब्लम रहता है। और जो लोग बहुत ज़्यादा प्रोसेस पैकेट आइटम, हाई सोडियम फूड आइटम, इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं उससे भी यूरिक एसिड का प्रॉब्लम रहता है। सो अलॉन्ग विद दैट देयर सम इश्यूज यहाँ पे
डायबिटीज़ के कंडीशन में जब आपकी किडनी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं रहती है और किडनी प्रॉपर फंक्शन ना होने की वजह से यूरिक एसिड फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, कैंसर के इशू में जब कीमोथेरेपी चल रहा होता है तो उस टाइम पे भी आपकी किडनी फंक्शनिंग जो है वो अफेक्ट हो जाती है और यूरिक एसिड जो है वो आपकी बॉडी में राइज अप हो जाता है। सो मैं बेसिकली इस वीडियो में आपको होम रेमेडीज़ के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि कॉजेज आपको हर जगह से मिल जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि कहाँ से आपका बॉडी जो वो यूरिक एसिड जो वो प्रॉपर नहीं रिलीज़ कर पाती है और गॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर आप डिटेक्ट कर पाते तो उसके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं। होम रेमेडीज़ में जो हम घर पे डाइट से इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, उसमें सबसे पहला ट्रीटमेंट आता है हमारा एप्पल साइडर विनेगर का, जो बहुत कॉमन है, हर जगह ये रिकमेंड किया जाता है। 5 ml इन 1 glass ऑफ वार्म वाटर अगर आप 30 minutes बिफोर मील लेते हैं, आपका यूरिक एसिड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना लेवल हाई है, तो आप उसको दिन में 2 बार या 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंडेड होता है अकॉर्डिंग टू योर यूरिक एसिड का लेवल। एंड लेमन जूस, जो लोग सोचते हैं कि लेमन जो है वो सॉर इन नेचर होता है और वो हमारी मसल्स को ख़त्म करता है या बोन्स को जो है वो ख़त्म करता है, ऐसा नहीं है। लेमन जो है वो अल्कलाइन हो जाता है, रॉ फॉर्म बाहर होता है, जब वो हमारी बॉडी में जाता है वो अल्कलाइन इन नेचर हो जाता है और वो भी यूरिक एसिड को जो है वो ट्रीट करने में हेल्प करता है, बिकॉज ये अल्कलाइन एनवायरमेंट हमारी बॉडी में बनाता है। और इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर हाई फ्रुक्टोज फूड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, आप जितना ज़्यादा किसी चीज़ को एक्सेस में लेते हो उसका साइड इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रूट डाइट, एक ही दिन में बहुत ज़्यादा फ्रूट्स को खाना, उससे भी प्यूरिन फॉर्मेशन होती है, तो ज़्यादा हाई फ्रुक्टोज डाइट हमने नहीं करनी है। इतना फ्रूट लेना है जिससे आपकी बॉडी जो है वो डाइजेस्ट ईजी कर सके। हाई फाइबर डाइट का मतलब होता है कि हम प्यूरिन्स ओट्स में भी पाया जाता है, तो जो दूसरे सोर्सेज ऑफ फाइबर हैं जैसे जौ है, ज्वार है, बाजरा है, नट्स हैं, सीड्स हैं, इनको आप डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और एक हमारा होता है दैट इज सेलरी सीड्स। सेलरी सीड्स इज बेसिकली इंडियन डाइट में अजवाइन कहा जाता है, लेकिन दैट्स अजवाइन इज नॉट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ यूरिक एसिड। सेलरी सीड्स जो बाहर अब्रॉड में पाए जाते हैं वो बेसिकली यूरिक एसिड के लिए यूज़ किया जाता है, ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। और बाहर की कंट्रीज में जो स्ट्रॉबेरीज एंड चेरीज बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं, वहाँ पर हम रिकमेंड करते हैं टू गो फॉर यूरिक एसिड की ट्रीटमेंट के लिए, आप चेरीज या स्ट्रॉबेरीज को आप यूज कर सकते हो। और जो डायुरेटिक्स का काम करते हैं वो ड्रिंक होते हैं बार्ले वाटर, जौ का पानी जिसे हम कहते हैं, जौ का पानी जो है वो आप जौ जो होते हैं उनको आप 1 liter पानी में 50 ग्राम जो है वो सोक कर सकते हैं, रिड्यूस टू हाफ करके उसका 500 ml रह जाता है, तो वो उसके जो एक एक कप करके आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हो। वो डायुरेटिक का काम करता है, यूरिक एसिड को फ्लश आउट, यूरिक एसिड को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, किडनी फंक्शनिंग को अच्छा करने में हेल्प करता है। सिमिलरली कोरिएंडर का जो पानी होता है दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, एक्ट एज अ डायुरेटिक, जो किडनी फंक्शनिंग में बहुत हेल्प करता है। किडनी फंक्शनिंग प्रॉपर होती है तो यूरिक एसिड जो है वो मेंटेन रह पाता है। एंड कई लोगों के लिए अल्कलाइन एनवायरनमेंट बनाने के लिए कई लोग बेकिंग सोडा को भी यूज़ किया जाता है, बट दैट इज़ ओनली रिकमेंड किया जाता है जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, एसिडिक एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा है, देन वी रिकमेंड फॉर बेकिंग सोडा, अदरवाइज इतनी ज़्यादा रिकमेंडेशन नहीं होती है। कड़ी पत्ता इज़ वेरी गुड फॉर यूरिक एसिड, वो आप मॉर्निंग में 4 से 5 पत्ते जो हैं वो मॉर्निंग में आप एम्प्टी स्टमक ले सकते हो कड़ी पत्ता के लिए। साथ में दूसरे लेवल्स भी चेक कर लीजिएगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह कैसे चल रहा है, बिकॉज ज़्यादा एक्सेस में कड़ी पत्ता खाए जा रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर भी इफेक्ट हो सकता है। एंड अलॉन्ग विद दैट ग्रीन टी के साथ जो ग्रीन पपाया होता है, कच्चा पपीता, अगर हम उसको बॉयल करके उसका 1 cup दिन में लेते हैं तो वो भी हमारे यूरिक एसिड को ट्रीट करने में हेल्प होता है। सो डोंट फियर फ्रॉम प्रोटीन्स, डोंट फियर फ्रॉम पल्सेस कि अगर आपको यूरिक एसिड हो गया तो आप एकदम से अपनी दालें बंद कर देते हैं। प्रेफरेबली अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, आपका यूरिक एसिड आपकी किडनी फंक्शनिंग की वजह से भी हो सकता है, किडनी फंक्शनिंग जो है वो इफेक्ट हो सकती है बिकॉज ऑफ योर सर्टन कंडीशन की आपका स्लीप प्रॉपर नहीं है, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई चल रहा है, एक्सरसाइज रूटीन आप बिल्कुल नहीं कर रहे हो, लाइफस्टाइल बहुत खराब है आपका, तो एवरीथिंग जिस हर चीज़ का जो बेस है जिसे हम कहते हैं नींव है वो आपका लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल अगर आपका अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपको ये कोई केमिकल प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में जो है वो देखने को नहीं मिलती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। बाय बाय।